हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आप सभी को पता है हम कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड सारी क्लासें हमारी हो रही थी, जो भी लास्ट क्लासेज हुई थी उस सिलसिले को बरकरार रखते हैं और कंप्यूटर बेसिक की एक क्लास और देखते हैं। और कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आज हम उसे कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास में डिस्कस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर रोल प्ले करता है, और उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम है? माइक्रो प्रोसेसर। अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर कंप्यूटर सिस्टम्स की बात की जाए, तो वहाँ प्रोसेसर, आपका माइक्रो प्रोसेसर, दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं। एक्चुअल में क्या है? ज़रूरी तो क्या है, मैंडेटरी है। जो सीपीयू आप बोलते हो ना, पूरे कैबिनेट का डब्बा, वो कैबिनेट है एक्चुअल में। आपकी जो मदरबोर्ड है ना, उस मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी हुई है, और उस चिप को हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर पे ही डिपेंड है हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग, हमारे कंप्यूटर का पूरा काम। तो देखो, पहले मैंने कुछ लाइन लिखी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर और पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। जब मैंने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बताया था आपको, कंप्यूटर के टाइप बताए थे, उस टाइप्स के अंदर मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताया था, जो हम हमारे घर में पर्सनल काम में ले रहे हैं, हमारा मोबाइल, हमारा टैबलेट, लैपटॉप आदि। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक कंट्रोलिंग यूनिट है हमारे, किसकी? माइक्रो कंप्यूटर की। वो आपको इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ में भी आएगा। माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्मिंग OLU ऑपरेशंस, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट्स के ऑपरेशन होते हैं, और कम्युनिकेशन विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर ही वो है जो कहीं ना कहीं हमारी सारी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और हमारी जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सब डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, उन्हें कम्युनिकेशन के लायक बनाता है। वो क्या है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है बेटा हमारा? वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर है? अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कहीं ना कहीं मोबाइल में इंपॉर्टेंट रोल करता है। आजकल जो मोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें मोबाइल फोन जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के दम पे ही सेल किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप MI फोन की बात करोगे या एंड्रॉयड फोन्स की बात करोगे, तो वहां पे माइक्रो प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन का। किसका आता है? स्नैपड्रैगन का। जैसे होता है कुछ पुराने फोन्स हैं, उनमें माइक्रो प्रोसेसर, वो चिप पुरानी वाली है, तो वो ज़्यादा तेज कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हैंग होते हैं जब हम कोई बड़ी ऐप इंस्टॉल करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अगर हम लेटेस्ट प्रोसेसर वाला मोबाइल परचेज करते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब आप iOS एप्पल के अंदर जाते हो, तो वहाँ भी आपके जो प्रोसेसर हैं A11, A13 बायोनिक प्रोसेसर्स आते हैं, ये चिप्स आती है। क्यों? क्योंकि ये चिप्स ही हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारे पूरे माइक्रो कंप्यूटर, हमारे मोबाइल और जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पूरा जो ऐसे डब्बा सा होता है, आप उसे CPU कहते हो। ये तो कैबिनेट है, इसके ऊपर एक मदरबोर्ड लगा है, और मदरबोर्ड पे एक चिप लगी हुई है, और चिप को माइक्रो प्रोसेसर या CPU कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करती है। हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी किसके थ्रू हो रहा है? प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है। जितने भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो भी सब प्रोसेसर के थ्रू ही परफॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? देखो, यहाँ मैंने लिखा है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर है जो मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस है, और मैंने अभी इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि मदरबोर्ड के ऊपर सारे पोर्ट्स और सारी चीज़ें आती है, जिससे कहीं ना कहीं हम हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इवन मेमोरी को भी उसके ऊपर लगाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को भी बोर्ड के ऊपर ही लगाया जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, यानी हमने इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू वो कमांड कैलकुलेट हुआ, और फिर माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही वो कमांड किसको ट्रांसफ़र किया गया? आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र किया गया। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर, ये डायग्राम कंप्यूटर प्रोसेसिंग जैसा बता रहे हैं। वहाँ मैंने लिखा था इनपुट जाएगा, फिर CPU के पास जाएगा। CPU के पास यानी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट अलग से बनी हुई है, और इसका आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो कुछ वैसा ही है, तो ध्यान देना। दोबारा से, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर दोनों को कम्युनिकेट कर रहा है, और हमारी मेमोरी में डेटा को सेव कर रहा है, डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही सारा काम
हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट होता है। देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक तो थे नहीं, फिर धीरे धीरे चलन आने लगा, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के अंदर तो आने ही लग गया। आज जैसे iOS या एप्पल दावा करता है ना, एप्पल मोबाइल, क्या कि हमारे पास विश्व का सबसे फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है A13 बायोनिक, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर स्नैपड्रैगन 86 कुछ आने लग गया है माइक्रो प्रोसेसर, समझ आ रही बात। तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर जो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन है, डिवाइसेस के ऊपर जो एप्लीकेशंस है उनका, एप्लीकेशंस का एग्जीक्यूशन है, या फिर उनकी, या कहें एक फ़ोन की लाइफ है, वो सब किस पे डिपेंड करती है? माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। और माइक्रो प्रोसेसर धीरे धीरे दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, और भी छोटे 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 होते जा रहे हैं। इतने इतने फ़ोन्स के अंदर भी क्या आने लग गए, माइक्रो प्रोसेसर आने लग गए। और फ़ोन किसके थ्रू काम कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। क्लियर बेटा, आई होप आपको माइक्रो प्रोसेसर समझ आया होगा। कंप्यूटर बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बार बार हर क्लास में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 11th स्टैंडर्ड को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिक्स की जो मेमोरी थी, रैम रोम का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद करो, रैम वो मेमोरी है जो एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और रोम आपकी वो मेमोरी है जो प्रोग्रामेबल कोड, ऐसा कोड परमानेंट स्टोर करती है जो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हार्ड डिस्क वगैरह सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हम डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। मदरबोर्ड के बारे में आपको पता लग गया, जनरेशंस और कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पता था, जो अर्थक्वेक या वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह करने का काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसे ऑर्गेनाइजेशंस काम में लेती है लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर में डेटा मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, बिट फॉर्म के अंदर होता है। तो बिट मिलके बाइट बनाते हैं, बाइट मिलके केबी बनाते हैं, टीबी मिलके पेटाबाइट बनाते हैं, पीबी बनाते हैं। तो हमने मेमोरी नहीं डिस्कस कर ली थी। क्लियर बेटा? तो कंप्यूटर बेसिक्स की काफ़ी चीज़ें हो गई थी। सॉफ्टवेयर हो गया था जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बना है। मैं ये भी बता चुका था कंप्यूटर के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कहाँ कहाँ अपना कैरियर बना सकते हो। क्लियर बेटा? तो आई होप आप सभी को आज का जो टॉपिक था माइक्रो प्रोसेसर वो भी क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो मंडे को होने वाली है, उसके अंदर हम हमारी लैंग्वेजेस यानी हमारा जो सिलेबस है आईपी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग फर्स्ट का, उस सिलेबस को आने वाले क्लास के अंदर से हम शुरू कर देंगे। बुक्स के थ्रू मैं आपको बुक भी बता दूंगा कौन सी परचेज करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, वो पूरा ओवरव्यू हम वहाँ पे देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।